बोचहां उपचुनाव सियासत के दौर में भाजपा समर्थित प्रत्याशी बेबी कुमारी है हमारे साथ, बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है, चूंकि तेजस्वी यादव भी कल आए थे और मुख्यमंत्री भी 10 तारीख को आने वाले हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, खबर में है, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है? काफी समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, फिर बेबी को लाएगी बोचहां में, फिर से कमल खिलेगा? बिल्कुल कमल खिलेगा, क्योंकि जिस पार्टी के मैं उम्मीदवार हूँ वो हम उम्मीदवार नहीं, एक एक बोचा विधानसभा कार्यकर्ता और जनता उम्मीदवार है और सभी जगह जा रहे हैं, सभी लोग अपार आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। यहाँ जो एनडीए की जो प्रत्याशी है, ये हम अपने आप को ये बेबी कुमारी प्रत्याशी नहीं, सभी लोग प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, विकास पर वोट मांग रहे हैं। बड़ामर्सी समाज को लगातार लोग साधने के फिराक में हैं, अभी आप उसी मोहल्ले में हैं, कैसा लोगों का फीडबैक है? ऐसा हमको तो कुछ फीलिंग नहीं हुआ है, और यहाँ पर न जात पर न पात बात पर मोहर गिराएंगे कमल छाप पर, यही बात है, सभी घर में यही है कि हम लोग कमल खिलाएंगे। योगी मॉडल के आधार पर आप, चूंकि आपकी गाड़ी में गाना चल रहा है कि जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसी आधार पर क्या लगता है कि बोचहां में फिर से लोग कमल खिलाएंगे? बिल्कुल कमल, देखिए मैं तो बार बार कह रही हूँ कि यहाँ काम पर मैं 5 साल मैं विधायक रही हूँ, 40 साल बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया है उस पर सुख दुख में भी जब हमेशा आती रहती हूँ, उस पर भी काम पर भी वोट मांग रही हूँ। मुकेश सहनी हैं, लगातार मुजफ्फरपुर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, रुके हुए हैं, लगातार लोगों से घूम रहे हैं, क्या लगता है कि आपके चुनाव पर उनका क्या असर पड़ेगा? कोई यहाँ का नेता, सहनी का नेता हमारे स्वर्गीय कैप्टन जनरल निषाद जी थे, उनके पुत्र अभी दो बार से सांसद है माननीय अजय निषाद जी, हमारे अभिभावक भगवान लाल सहनी जी, ये दो जब स्थानीय चेहरा है सहनी के, तो वो कहाँ से मुकेश सहनी की बात आप कर रहे हैं, जो अपना वार्ड नहीं जीत सकता है और चुनाव जितने चल गए, वो तो बीजेपी के कृपा से MLC बने हुए हैं। 35 विधायक, कई कई मंत्री आपके फेवर में जनसंपर्क कर रहे हैं, कल उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों से वोट मांग रहे थे, क्या लगता है कि पूरी उस सामंजस्य को कहां तक आप जो है निभा पाएंगे? स्वाभाविक है, जिसका संगठन है और विकास कर रही है वो लोग स्वाभाविक है, संगठन मेरा ताकत है, संगठन पर वोट मांग रहे हैं भाजपा परिवार। क्या लगता है कि क्या आम जो जनमानस है बोचहां के, उनको क्या कुछ कहेंगे? जनता जनार्दन से आग्रह करती हूँ कि जिस समय इतिहास रचने का काम किया 2015 में, उसी तरह बोचहां में उपचुनाव होने वाला है, वो सभी लोग वोट मतदान करें, कमर पर बटन डाले बटन दबाए और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करें, यही आग्रह करूँगी, क्योंकि 29 साल के बाद पहली बार हमारे वो विधानसभा में विधायक बनाने के लिए कमल पर बटन दबाएंगे ना, तो ये दूसरे को हमेशा हमारी जो भाजपा परिवार है हमेशा दूसरे को देने का काम किया है, दूसरे जैसे VIP गठबंधन धर्म निभाते हुए मैं सिटिंग विधायक थी, और जो पार्टी का आदेश हुआ मैं चुनाव नहीं लड़ी, अब मुकेश सहनी के मैं कैंडिडेट को जिताने का काम एक एक भाजपा परिवार, एक एक NDA के परिवार ने जिताने का काम किया, और आज देखिए 14 महीना पहले NDA के प्रत्याशी के रूप में वोट दिया जनता जनार्दन, आज लालटेन को दामन थाम लिया है, जिसका अपना कोई कुर्सी नहीं, अस्तित्व नहीं है, वो क्या समाज में काम करेंगे? लालटेन के दामन थामने की अपनी बात की, जो विपक्षी आपके जो है प्रतिद्वंदी हैं, अमर पासवान हैं, गीता जी हैं, उनको आप कैसे लेते हैं चुनाव में? मैं कुछ नहीं ले, इतिहास फिर बोचहां में उपचुनाव में होगा, इतिहास रचेगा, NDA का उम्मीदवार जीतेगी, रिकॉर्ड मत से जीतने के लिए पूरा बिल्कुल 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 जीतेंगे। चलिए, बेबी कुमारी को सुन रहे थे आप, और कुछ लोग हैं, क्या लगता है, लगातार आप घूम रहे हैं, प्रदेश मंत्री हैं आप, कैसा फीडबैक मिल रहा है भाजपा के लिए लोगों का? फीडबैक बहुत अच्छा है, ये हम लोग ब्रह्मर्षि समाज में घूम रहे हैं, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, घर में भौजाई लोग हैं, चाची लोग हैं, सब लोग मिल के, देखिए उधर चाची खड़ी भी आशीर्वाद देने के लिए, तो जितने लोग इधर खड़े हैं सब लोग आशीर्वाद दे रहा है, तो चाहे वो हम लोग मुसहरी में जा रहे हों, या हम लोग मुसहरी या हम लोग ब्रह्मर्षियों के टोला में जा रहे हों, या कहीं भी जा रहे हों, पूरी बोचहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सब लोग एक आवाज़ में एक विश्वास के साथ बोल रहा है कि इस बार बोचहां में कमल ही खिलेगा। ब्रह्मर्षि समाज की बात की, कोर वोटर माना जा रहा है इस चुनाव में, क्या लगता है कि चूंकि तेजस्वी यादव भी कल आए हुए थे तो वो भी
खुले मन से ब्रह्मर्षि समाज को जो है कह रहे थे कि आप हमारे हमारा साथ दीजिए, क्या लगता है कितना तुलनात्मक लड़ाई होगा वो चाहे? देखिए, ब्रह्मर्षि जो है ना, ये कोर वोटर्स नहीं है, ये लोग राष्ट्रवादी है। ये ब्रह्मर्षि समाज एक विचारधारा है, और ये जो विचारधारा है ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। तो जो भी पार्टी राष्ट्र के साथ रहेगी उसी के साथ ब्रह्मर्षि समाज रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहां से किस जाति का लोग लड़ रहा है। ब्रह्मर्षियों के लिए कल भी वैसा था और आज भी ऐसा ही है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ चलती है, इसलिए ब्रह्मर्षि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। इस पर चुनाव में विश्वास है कि ब्रह्मर्षि बीजेपी को ही वोट देंगे? 200%। कहीं ना कहीं बीबी कुमारी को उसके समर्थक को भी सुन रहे थे, और महामंत्री है, भाजपा के मंत्री है, उनको भी सुन रहे थे आप। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि चुनाव के से दो पहलू जुड़ा जा रहा है। भूमिहार जो वोटर है, जो कल तेजस्वी यादव ने भी खुले मंच से ब्रह्मर्षि को कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, मैंने एमएनसी से चुनाव में शंभू सिंह को उम्मीदवारी दिया था। अब देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि बोचहां के जो आम जनमानस है और कोर वोटर भूमिहार, वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है, और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।